तो भाई अपन सब जानते हैं कि कॉमिक कॉन में मार्वल ने डीसी को कच्चा चबा लिया। आई मीन उन्होंने बस दो बड़ी अनाउंसमेंट्स की, ब्लैक एडम और शज़ाम, मगर इतना काफी नहीं था, मार्वल सबकी हाइप खा गया। लेकिन अभी भी एक बात हो सकती है कि डीसी का अपना फिल्मों का अनाउंसमेंट ना करना एक षड्यंत्र भी हो सकता है। मतलब कि यार उनके पास माल है और आने भी वाला है, मगर वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। मतलब कि एक्वामैन, ब्लू बीटल, जोकर, बैटमैन, पीसमेकर 2 जैसी सीरीजें ऑफिशियली लाइन में है, और डीसी का कॉमिक कॉन में इन्हें ना अनाउंस करना प्रोबेबली एक जीनियस स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर में उनका डीसी फैंडम चलता है, उनमें वो सारी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि डिज्नी अपना D23 सितंबर में करता है और भाई डीसी का अक्टूबर में, दोनों अलग अलग महीने होंगे और कोई भसड़ भी नहीं बचेगी, और कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो इसका फायदा नहीं उठाएगा। तुमको क्या लगता है, डीसी का सीक्रेट मूव है या फिर अपना चूतिया काटा जा रहा है? उम्मीद नहीं रखनी चाहिए यार।